हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है वो असली भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति कभी किसी ने नहीं बनाई बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई थी। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर में विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी जी की मूर्ति पर लगे हुए बाल उनके असली बाल हैं? दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये बाल कभी नहीं उलझते और हमेशा मुलायम रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे एक मंदिर के बारे में जहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं, और अगर आपने इस मंदिर के रहस्यों के बारे में जान लिया तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दक्षिण भारत के मंदिर बहुत भव्य और प्रसिद्ध हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये प्रभु वेंकटेश्वर बालाजी का मंदिर है, जिन्हें श्री विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। ये दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमला के पास बना है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के सात फनों के आधार पर सप्तगिरी कहलाती हैं। इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला है। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया बल्कि ये मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। बालाजी की मूर्ति पर चोट का निशान है, जहाँ औषधि के रूप में चंदन का लेप लगाया जाता है। बालाजी भगवान की मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल है। इसकी खास बात यह है, इसमें कभी उलझने नहीं पड़ती और ये हमेशा साफ दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में केश दान की बहुत पुरानी परंपरा है। मन्नत पूरी होने पर लोग यहाँ पर केश दान करते हैं। इसका एक गहन अर्थ भी है कि बालों के साथ अपने अहंकार, घमंड और बुराई को समर्पित कर देना। लगभग 20,000 लोग यहाँ पर रोज केश दान करते हैं। मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुना जाए तो इसके भीतर से समुद्र के लहरों की आवाज आती है। बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। अब ऐसा क्यों है, आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू बनते हैं। इस मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां लोग बहुत पुराने नियमों के हिसाब से रहते हैं। उसी गांव से लाए गए फूल, फल, मक्खन, घी आदि मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, और उस गाँव का किसी को पता नहीं है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहाँ जाने की आज्ञा है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माता यहाँ पर रहती हैं, ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर गर्भगृह में एक दीपक बिना घी और तेल के हजारों सालों से जल रहा है। अब ये कैसे होता है, इसका कारण आज तक नहीं पता चल पाया। पचई कपूरन को किसी साधारण प्रतिमा पर लगाने से वो पत्थर धीरे धीरे चटक जाता है, लेकिन वेंकटेश्वर भगवान का चमत्कार ही है। पचई कपूरन को वेंकटेश्वर प्रतिमा पर चढ़ाने पर प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता। अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता। पूजा के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिसे मुड़कर देखा भी नहीं जाता। इस मंदिर में मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इसी छड़ी से भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी, इस कारण उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठोड़ी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर जाए। जब आप भगवान बालाजी की गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। वहीं जब गर्भगृह के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर स्थित है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता यह है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इसी कारण से ऐसा किया जाता है। इस मंदिर की मूर्ति पर जो भी पुष्पमाला चढ़ाई जाती है उन्हें मूर्ति के पीछे फेंक दिया जाता है, और इसके पीछे मान्यता है कि इसे देखना अशुभ और पाप है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर ये पूरी तरह जीवंत लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फारेनहाइट रहता है, और प्रतिमा को पसीना भी आता है, जिसे पुजारी समय समय पर पोंछते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंदिर दुनिया में सबसे अमीर मंदिरों की गिनती में आता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर विराजित तिरुपति बालाजी गरीब हैं और कर्ज के तले दबे हुए हैं,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये मंदिर तो अमीर है पर यहाँ के भगवान गरीब हैं। और इसके पीछे का क्या रहस्य है, और अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे।